सभी सुनने वालों को अजय दीप वाधवा का नमस्कार। हम लोग ने बचपन से कहावत बार बार सुनी है कि जब हमारे पास जो चीज नहीं होती है तब उस चीज की हमें वैल्यू पता चलती है। जब हमारे अच्छे दोस्त हमें छोड़ देते हैं, कई बार होता है दोस्त हमें मैसेज करते हैं, हमें फोन करते हैं पर हम रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। जब हमारे रिलेटिव हमें छोड़ देते हैं तब हमें उनकी वैल्यू पता चलती है। पर आज मैं इसमें माँ बाप के बारे में बात करना चाहता हूँ। जब तक माँ बाप हमारे पास होते हैं हम में से अनेक लोग उनकी वैल्यू नहीं समझते हैं। पर जैसा कि है कि दुनिया में सबको जाना है, जब हमारे माँ बाप हमें छोड़ के चले जाते हैं इस दुनिया से तब हमें पता चलता है कि हमने जीवन में क्या खोया है। एक कहावत है कि जब हमें ये पता चलता है, जिस उम्र में हमें ये पता चलता है कि मेरे पापा सही बोला करते थे, उस उम्र तक मेरे बच्चे इतने बड़े हो जाते हैं कि वो मुझे गलत बोलने लग जाते हैं। कहने का मतलब है कि हम लोग अपने जीवन में माँ बाप का महत्व कभी कभी नहीं समझ पाते हैं। और मुझे भी अपना व्यक्तिगत अनुभव रहा है। मेरे पापा तो मेरे जब मैं विद्यार्थी था तभी गुजर गए थे, पर मेरी माँ का साथ मेरे साथ काफी दिनों तक रहा। अब मेरी माँ का निधन 2018 में हुआ और यकीन मानिए जब तक माँ मेरे साथ थी मुझे जीवन में कोई बड़ी कठिनाई नहीं हुई। आराम से जॉब लगी, जहां मैंने चाहा वहां पोस्टिंग हुई, अच्छे लोग मिले, प्रमोशंस टाइम पर हुई, शिक्षा जगत में नाम मेरा जो थोड़ा बहुत नाम हुआ अच्छा हुआ। यानी मुझे जीवन में कभी कोई कठिनाई नहीं हुई, ना पारिवारिक फ्रंट पर, ना ऑफिस के फ्रंट पर, ना किसी भी फ्रंट पर। बेटी की शादी करनी थी, काफ़ी खर्चा था, पता नहीं कहाँ से पैसे आए, अच्छे से शादी हो गई, मकान बन गया। 2018 में मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई और माँ के निधन के बाद, ऐसा नहीं है कि माँ के जाने के बाद माँ का आशीर्वाद मेरे साथ नहीं है, वो है। माँ जहाँ भी इस दुनिया में है, जिस लोक या परलोक में है, उसका आशीर्वाद है। पर जो माँ डेली मेरे साथ रहती थी, डेली मुझे आशीर्वाद देती थी, वो माँ के नहीं होने के बाद मुझे 2-3 ऑफिस में काफ़ी दिक्कतें आई। और एक तो सबसे बड़ी दिक्कत आई जब मुझे सबसे खतरनाक मुझे मेरा ट्रांसफर हो गया, बिल्कुल मुझे मेरे ना चाहते हुए मुझे काफ़ी दूर ट्रांसफर कर दिया गया। उसके अलावा सोशल मीडिया में मुझे एक प्रॉब्लम आई, तो मुझे ये समझ में आया कि जब तक माँ थी हमें उनका वैल्यू पता नहीं चलता था, पर ये जितनी मुसीबतें होती थी ये माँ के आशीर्वाद से वो गायब हो जाती थी, वो हमारे पास आती नहीं थी। माँ जो होती है वो बच्चे के लिए एक शील्ड का काम करती है। हम जब भी किसी के पास बाहर जाते हैं, कभी कभी बाहर लोगों के बहस हो जाता है, झगड़े हो जाते हैं, अगर माँ या बाप जिंदा हैं, खासकर माँ, तो माँ जो है वो कवच के रूप में काम करती है और कभी हमें बड़ी परेशानी नहीं आती। जैसे मेरी माँ गई मुझे परेशानियाँ आने लगी और मैं माँ को बोलता हूँ कि माँ जो भी गलती है क्षमा कर दो, तुम्हारा आशीर्वाद मेरे साथ है। तो मैं आज अपने सभी श्रोताओं को ये बोलना चाहूँगा कि अगर आप लक्की हैं और आपके पास माँ और बाप या दोनों में से कोई भी अभी भी साथ में है तो उसकी कदर करिए। चाहे आपकी माँ किसी भी उम्र की हो, मुझे याद है एक हमारे डायरेक्टर फाइनेंस थे, वो कलकत्ता में थे तो सुना उनकी मदर का डेथ हो गया। तो जब वो माँ का सब लास्ट रिचुअल्स करके वापस आए ऑफिस रांची, तो हम लोग उनसे मिलने गए, उनके रूम में हम लोग शोक संवेदना अपनी प्रकट करने गए। तो हमारे एक वरीय अधिकारी ने पूछा कि सर आपकी माँ की उम्र कितनी थी, तो हमारे डायरेक्टर फाइनेंस ने कहा कि मेरी उम्र की माँ की उम्र करीब 88 साल 88-89 ईयर्स थी। तो मेरे वरीय अधिकारी के मुंह से निकला कि सर कोई बात नहीं, माँ काफ़ी उम्र में डेथ की है, माँ ने अपना पूरा जीवन जिया है। तो मेरे डायरेक्टर फाइनेंस ने कहा कि नहीं, जब मेरी माँ 25 साल की थी तब भी वो मेरी माँ थी और जब मेरी माँ 88 साल में डेथ की तब भी मेरी माँ थी। मेरी माँ चाहे जिस उम्र में भी थी मेरे लिए एक ही माँ थी। और मेरी माँ के जाने के बाद, या मेरे पिताजी जब मेरे काफ़ी दिन पहले चले गए थे, उसके जाने के बाद कोई उसकी कमी को पूरा नहीं कर सकता। जीवन में दोस्त बहुत मिल जाएंगे, आप शिक्षा ले सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं, मकान नया खरीद सकते हैं, आप जीवन में हर कुछ कर सकते हैं, पर मां बाप एक बार अगर आपके जीवन से चले गए, आप हाथ से निकल गए, तब आप उनकी कमी को कोई भी पूरा नहीं कर सकता। वो जीवन में दूसरे माँ ना हो सकती है, ना दूसरा बाप हो सकता है। तो उनकी ये बातें मेरे मन दिमाग में बैठ गई कि माँ बाप जो होते हैं हमें जीवन में एक बार ही मिलते हैं, तो जो हमारे माँ बाप होते हैं हमारे लिए बेशकीमती है, उनका आशीर्वाद हमेशा हमें बहुत सारी कठिनाइयों से बचाता है। तो अगर माँ हमारे साथ है, बाप हमारे साथ है, या दोनों हैं, आप बहुत लकी हैं दोनों हैं, तो उनकी जितनी सेवा कर सकते हैं करिए। ये मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ, उनकी सेवा करिए, उनका आशीर्वाद लीजिए, क्योंकि वो आपके लिए रक्षा कवच है और आपके भविष्य भी अच्छा रहेगा, इसको भी माँ का और बाप का आशीर्वाद। प्रायः आजकल क्या हो रहा है, हमारे समाज में लोग माँ बाप का महत्व भूल जा रहे हैं। एक कहावत है
कि एक रिक्शा वाला गरीब बाप भी 7 बच्चों को पढ़ा कर लेता है, उनको पाल लेता है, बड़ा कर लेता है, पर बाद में वो 7 बच्चे बड़े होकर जब अच्छा कमाते हैं फिर भी वो एक माँ बाप को नहीं रख पाते हैं। एक मूवी भी आई थी बागमां जो हम लोगों ने देखी। तो अगर अभी भी माँ बाप साथ में हैं तो कुछ बिगड़ा नहीं है, उनकी जितना भी उनकी आयु है उसमें इतनी उनकी सेवा करिए ताकि आपकी सारी, या आपके स्वार्थ भी है, आपकी सारी बाधाएं दूर होंगी। आप माँ बाप के आशीर्वाद से आप जीवन की सफलता को उन ऊंचाइयों को छू पाएंगे जो आप सोच भी नहीं सकते। माँ बाप हैं तो जीवन है। बहुत बहुत धन्यवाद।